सो हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी नीट। बहुत हो गया मैम इंतज़ार, मतलब ये तो टॉपिक फिनिश ही नहीं हो रहा है ना। एक्चुअली ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है और बहुत डिटेल्ड वे में हमने इसको फिनिश किया। हमने जैसे मैक्सिमम पॉसिबल था, आई मीन बहुत सारे आपके लॉन्ग ड्यूरेशन सेशंस भी हुए, बट देन दिस इज दी लास्ट लेक्चर। आज फाइनली इस सेशन के बाद आई कैन अश्योर यू कि आप कह पाएंगे कि वाह, हो गया फिनिश चैप्टर, है ना, चैप्टर हमारा फिनिश। सॉल्यूशंस में आज के क्लास में सबसे पहले तो जो हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा बचा था, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। एक तो अपनी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएगी और इसी के साथ और भी कुछ, यस, हेनरीज लॉ और साथ साथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, वेंटॉफ फैक्टर, ये हमारा आज पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, करेक्ट। सो वी विल बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर आज, बट उससे पहले कैन आई सी सम गुड जोश, हाँ, इतनी में जल्दी क्या है, एक दो तीन चार लेक्चर और ले लूँ। देखो यहाँ पर कोई कौन है, तनु है, तनु बोल रही है कि मैम इतनी जल्दी क्या, इतना जल्दी क्यों फिनिश करा रहे हो आप चैप्टर, मतलब पाँच तीन चार क्लास तो कम से कम और लीजिए, है ना। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड और इस यूनिट को हम करते हैं आज पूरा फिनिश। देखो यार, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था आपके साथ, दैट आपके पास अभी ऐसे फ्लैश कार्ड्स पॉकेट साइज एकदम स्मॉल, और देखकर ही मजा आ जाता है कि वाह यार, एक सिर्फ कार्ड को मुझे लीड करना है और उसके बाद एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिएक्शंस या टिप्स वगैरह इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे जो है मैं एक बार ही जस्ट एट अ ग्लांस इसको देख लूँ, पूरा का पूरा यूनिट, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। और डिटेल्ड मैनर में रिवीजन करने के लिए मेरे पास ऐसे दो सेट ऑफ बुकलेट्स जिसको हम माइंड मैप कह रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ एक माइंड मैप को अगर आप देखते हो, है ना, दिस इज क्लास 12th के लिए, ये क्लास 12th का है, और एक ही माइंड मैप को अगर हम देखते हैं तो यार मतलब पूरा चैप्टर एक बारी में अच्छे से रिवाइज हो जाता है। लिटरली मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि यार किसी टॉपिक के लिए ऐसा तो नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग हो, बट एकदम डिटेल्ड मैनर में, बिल्कुल जैसे हम अपने प्रॉपर ऐसे नोट्स बनाते हैं डिटेल्ड, बिल्कुल वैसे यहाँ पर सब कुछ मैंशनड है और बहुत ही प्रिसाइज मैनर में, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स भी मैंशनड है, तो यहाँ पर आपका एक प्रॉपर रिवीजन हो पाता है। कैसे आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अभी आपका 20% ऑफ चल रहा है, आप जो है कोड यूज़ करेंगे AKA लाइव तो यू विल बी एबल टू ग्रैब द डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी। ऑल्सो 9 months, 12 months, 24 months के ड्यूरेशन के लिए अभी आप देख सकते हो यार कितना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलता है नीट यूजी अश्योर, जहां आपको मिलती है गारंटी आपके सिलेक्शन की। इसका मतलब अगर इस बार आपके होते हैं अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन आपको पूरा फ्री मिल जाता है। और वैसे भी यार 10% तो प्राइस पहले ही कम कर दिया, और उसके बाद एक्स्ट्रा 20% ऑफ आपको मिल रहा है। एंड देन माइंड मैप, फ्लैश कार्ड, ये तो आपको मिल ही जाते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ फॉर फ्री अगर आप, और इसके अलावा दूसरा तरीका है कि अगर आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कराते हैं, जिसके लिए आप यहां पर QR कोड स्कैन भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जिसका लिंक गिवन है, तो यार यहां से भी आपको माइंड मैप्स एंड फ्लैश कार्ड्स मिल जाते हैं, करेक्ट। उसके बाद अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये तो मैंने कहा सबको ही लेना है जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी एक तो डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल रहा है यार, अभी इस पर भी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज में तो एनरोल करानी है ना, चाहे हमने यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, चाहे हमने कहीं भी एनरोल कराया, कहीं नहीं भी कराया, तो भी टेस्ट सीरीज से तो आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, टेस्ट सीरीज में तो पार्टिसिपेट करना ही करना है। अब यहाँ से थोड़े से मुझे ग्रीन सिग्नल्स दे दो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हमारी क्लास का पहला डायलॉग क्या होता है कि थोड़ी आग लगा दी जाए एंड देन वी विल स्टार्ट। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड और फिर करते हैं इस चैप्टर को फिनिश, है ना, इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। पर यार थोड़े थम्स अप तो भेज दो कि यस मैम चलिए करते हैं आज, जैसे हमने एकदम धमाकेदार तरीके से इस सेशन को स्टार्ट किया था ऐसे ही इसको फिनिश भी किया जाए, है ना, ठीक है, एक मिनट, ओके। अरे अरे हाँ जी, सी सबसे पहले यहाँ पर हम लास्ट प्रॉपर्टी कवर करने जा रहे हैं, विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, व्हाट इज इट अबाउट, उसके लिए जरूरी है कि हम ये जानते हैं कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, राइट। तो जहां आपको ये टर्म की क्लैरिटी मिल जाएगी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, आपको मालूम हो जाएगा कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, फिर हम समझ पाएंगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमसे क्या कहना चाहती है।
देखो यार, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक कंटेनर रखा है, ध्यान से सोचो, कंटेनर रखा है, एंड इनफैक्ट आज के क्लास में आपको समझ आएगा कि जो हमारे आरओ सिस्टम होते हैं ना, मतलब आजकल तो काफ़ी घर पर, स्पेशली अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपके घर पर ऐसा फिल्टर लगा ही होता है, आरओ सिस्टम है ना, कि आजकल आपको पता है वाटर क्वालिटी कैसा होता है, तो सबके घर पर यूजुअली आरओ सिस्टम होता है। तो जो आरओज होते हैं या फिर वाटर फिल्टर्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, दैट इज दिस ओनली, ऑस्मोसिस, इनफैक्ट रिवर्स ऑस्मोसिस पर, जिसको हम डिटेल्ड मैनर में आज के क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं, यानी कि समझने वाले हैं। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, राइट? ऑस्मोसिस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? मैम, हमने एक कंटेनर लिया है ना, कंटेनर को हमने वाटर से फिल कर दिया। अब ध्यान से सुनो, ये जो पिंक पिंक मॉलिक्यूल्स तुम्हें दिख रहे हैं, हालांकि पानी पिंक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम कर लेंगे, कि ये पानी है, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो आपको पिंक 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 एंड नाइस ये वाले मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, करेक्ट है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये दूसरे साइड जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ना, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इस तरह से कोई सेपरेशन लगाया हुआ है। ये जो आपको यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है ना, क्योंकि देखो इस साइड एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और यहाँ पर पिंक पिंक के साथ कुछ ऐसा पर्पल पर्पल मॉलिक्यूल्स भी हैं, राइट? तो ये पता है क्या सीन चल रहा है कि भाई इस साइड कंटेनर के इस साइड तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कंटेनर के दूसरे साइड यहाँ पर हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है। सॉल्यूशन वैसा है जिसके अंदर कि हमारे पास ये जो आपको बड़े बड़े पर्पल मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये पर्पल मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्यूट के। किसके? सॉल्यूट के। और यार सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? सॉल्यूट है आपका सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। दिस इज योर सॉल्यूट। उसके बाद ये जो आपको पिंक पिंक दिख रहा है, ये आपका क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है। पिंक पिंक जो आपको दिख रहा है वो कौन है? आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट है। पिंक 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 वाटर वाटर वाटर, ओके जी। अब उसके बाद आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये दोनों ही सॉल्यूशंस को मैंने सेपरेट किया है, मतलब तुम देख रहे होंगे आपस में मिल नहीं रहे हैं, है ना, दोनों ही सॉल्यूशंस को सेपरेट किया गया है वाया अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो डैश 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 लाइन मुझे दिख रही है, ये क्या है? मेरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और क्योंकि तुम लोग तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें तो बायो से तो बहुत ज़्यादा प्यार है, बायो से तो मैम हमारा तो दिल लग जाता है ना, तो इसीलिए मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूं कि आप जानते हैं व्हाट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? यार ये ना बड़ा थिक लग रहा है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? एक ऐसी मेम्ब्रेन है ना जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को अलाउ करती है टू पास थ्रू इट। जैसे कि आपकी स्किन है, स्किन कैसा मेम्ब्रेन है? ऐसा तो नहीं है ना कि स्किन के नीचे, भाई स्किन के नीचे वाली लेयर्स में आपकी ऑर्गन्स होंगी, आपका ब्लड होगा, बहुत कुछ होगा, पर क्या सब कुछ ऐसे बाहर निकल कर आ रहा है? नहीं, सब कुछ तो बाहर निकल कर नहीं आ रहा है, पर कुछ कुछ तो आता ही है। जैसे आप स्वेट करते हो तो यानी कि एक्सचेंज तो हो रहा है, जो अंदर है, अंदर और बाहर एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन कुछ ही पार्टिकल्स का एक्सचेंज अलाउड है, यानी कि ये सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिव है ओनली फॉर फ्यू पार्टिकल्स, राइट? तो यहाँ पर ये जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यार मैं इसको SPM लिख दूँ तो चलेगा? ये जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस विल अलाउ ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। जैसे आप देखते हो ना, चाय बनाते हैं आप, उसको फिल्टर करते हो, तो फिल्टर करते हैं तो सारा का सारा चाय बाहर निकल जाता है, और फिल्टर में क्या रहता है? ओनली द टी लीव्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल पास कर पाएंगे वो बताओ कौन से होंगे? तुम्हें क्या लगता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास कर जाएंगे या फिर सॉल्वेंट के? पहले अपना दिमाग लगाना एक बारी, क्या लगता है आपको कि कौन से मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू पास थ्रू इट? बताइए, क्या ख्याल है आपका कि मैम कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको क्रॉस कर देंगे, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स विच विल बी एबल टू पास थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट। तो क्योंकि यार देखो, आप खुद ही देखिए, यहां पर जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज छोटा है, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो तो इससे पास कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपके जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ध्यान से याद रखिए कि यहां पर, वेरी गुड शार्प, यार तुम इंटेलिजेंट तो हो, ऐसे तो आकांक्षा मैम लकी तो बहुत है ना, बच्चे एकदम प्यारे मिले। तो यहां पर हमारे पास ये जो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस विल अलाउ ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम। ये सिर्फ और सिर्फ अलाउ करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को वहां से
पास करने के लिए यानी कि क्रॉस करने के लिए, लेकिन जो सॉल्यूट है सॉल्यूट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है, इतना साइज ही नहीं है। जो आपको पोर्स दिख रहे हैं ना उनका इतना साइज ही नहीं है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसको क्या कर लें, क्रॉस कर दें। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर नेचुरली मतलब जो अपने आप हो जाए प्रोसेस, स्पॉन्टेनियसली उसको नेचुरल प्रोसेस कहते हैं, जैसे नेचर में बहुत कुछ अपने आप हो जाता है ना। तो हमारे पास नेचुरली आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस साइड, है ना भाई। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो इधर साइड ज़्यादा है इस वाले साइड के कंपेरिजन में। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो वहाँ से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ फ्लो करने लगते हैं। क्या होता है कि जहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो वहां से दूसरे साइड पासिंग थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दूसरे साइड फ्लो करने लगते हैं जहां पर आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। इसी प्रोसेस या इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। लेट मी रीड आउट दिस स्टेटमेंट फॉर यू दैट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पर भाई देखो याद रखना ये हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, जल्दी से बताओ ये हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। पता है स्टेटमेंट आपकी टोटली चेंज हो जाएगी और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, कई बार ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर वहां पर लिखा है हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन तो किसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की। पर मान लो वहां पर लिखा है हाई टू लो किसके लिए, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के लिए, किसके लिए सॉल्यूट मॉलिक्यूल, तो फिर ये गलत है। अगर वहां पर लिखा है हाई टू लो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फिर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उससे जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम है उस साइड, राइट। तो हमारे पास आपको बहुत ध्यान से देखना है कि यार हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन लिखा किसका हुआ है, वेदर हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कहा जा रहा है या फिर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का कहा जा रहा है, राइट। दूसरी बात, अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा हो, मैम पता है कभी कभी एग्जामिनर फुल मजे लेते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखते भाई, वो सिर्फ ऐसा लिखते हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। आप बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, क्या लिखते हैं वो कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब यार उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, मैं पूरी डेफिनेशन लिख देती हूँ, इनफैक्ट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ तो कुछ बताया ही नहीं गया है ना, और आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया मतलब उन्होंने नहीं बताया कि किसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन और किसकी लो कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट। तो आप इसको कैसे बताओगे कि यार ये ट्रू है कि फॉल्स है, सोचो एक बारी ये ट्रू है कि फॉल्स है, जल्दी से बता दो। क्या कहोगे आप कि मैम हमें तो ट्रू लग रहा है, मैम हमें तो फॉल्स लग रहा है, ट्रू ऐसे कैसे, ट्रू कैसे हो गया, हाँ ट्रू कैसे, क्योंकि मैम ट्रू तो ट्रू बोलने में देखो कितना अच्छा लगता है, फॉल्स तो ऐसा नेगेटिव सा लगता है ना, ट्रू वाई ट्रू, देखो गलत है आपका आंसर। पहले तो मुझे बहुत मजा आता है जब मैं ये कहती हूँ ना दैट यू आर रॉन्ग, तो बेटा जी आपका आंसर तो है गलत। आप सुनो कि गलत क्यों है, एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट, ठीक है ये फॉल्स है। आप मुझे एक बात बताओ, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन ये वाली जो मेरी डेफिनेशन थी है ना, इसमें मेरे लिए क्लियर लिखा हुआ था यहाँ पर कि हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मैंने जब आपके लिए डेफिनेशन लिखा था, इनफैक्ट जब हमने इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट मैंने आपको बताया, तो मैंने कहा हाई टू लो किसके लिए, सॉल्यूट के लिए अगर लिखा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बताया गया कि किसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसका लो कॉन्सेंट्रेशन है। तुम याद करो आज से पहले जब भी मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज़ करती थी तो मेरा मतलब क्या होता था, अगर किसी सॉल्यूशन को मैं बोल रही हूँ कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना, अगर मैं बोल रही हूँ कोई सॉल्यूशन भाई कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, और अगर मैं बोल रही हूँ कोई सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लो है तो इसका मतलब उसके अंदर सॉल्यूट
कम है, ऐसा ही होता था कि नहीं? आज के पहले जब भी हम बोलते थे हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका मतलब कि यार हाई कॉन्सेंट्रेशन है इसका मतलब इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, सॉल्वेंट कम है, और किसी की लो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब वो डाइल्यूट है, उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो ये वाली डेफिनेशन तो फॉल्स हो गई कि नहीं हो गई? तो आप ध्यान हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं हो, इफ वी आर नॉट गिवन एनीथिंग, देन इन दैट केस हम क्या कहेंगे? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने यहाँ पर सॉल्यूट की बोली है, और ये लो कॉन्सेंट्रेशन भी किसकी है? सॉल्यूट की। तो यार ये तो गलत हो गया। मैं तो क्या कह रही हूँ कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो करते हैं, ना कि सॉल्यूट की हाई टू सॉल्यूट की लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है उसका मतलब तो ये है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ना इधर से इधर फ्लो करेंगे, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अपनी खुद की हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब देखो जब ऐसा होगा तो ऐसा नहीं लगता आपको कि ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? सोचो एक बारी, ऑस्मोसिस होने के बाद डोंट यू थिंक कि ऐसी वाली सिचुएशन आ जाएगी? भाई ये वाली जो आपकी साइड है, ऑस्मोसिस हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं ना, ऑस्मोसिस हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं, करेक्ट है, तो पानी इधर से कम होगा और पानी का लेवल इधर इंक्रीज होने लगेगा। तो ये देखिए यहां पर बिल्कुल पिक्चर में ऐसा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पानी इधर से कम हो रहा है और यहां पर वाटर का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करके इधर जा रहे हैं। तो ये तो हो गया अपना ऑस्मोसिस प्रोसेस, जो कि नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, जिसको कराने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन डू यू थिंक ये प्रोसेस हमारे कोई काम का है? नहीं यार, ये तो मेरा इम्प्योर वाटर है, ये वो वाटर है जिसके अंदर सॉल्ट भी प्रेजेंट है, तो ये तो मेरा पानी काम का नहीं है, ये तो डर्टी वाटर है, खराब है, इसको मैं इसको अपना ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकती हूँ? नहीं। जो हमारे घर में आर ओ सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं? पानी को प्योरीफाई करते हैं, यानी कि हमारे पास प्योर वाटर आता है। तो टेक्निकली देखा जाए मेरा फायदा कब है, मेरा बेनिफिट तब है जब मैं यहां पर जो सॉल्यूशन वाली साइड वाटर मॉलिक्यूल है ना, उनको भी मैं इधर साइड फ्लो करा दूं, जो सॉल्यूशन वाली साइड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी मैं इधर लेकर आ जाऊं, तब तो मेरा बेनिफिट है, क्योंकि ऐसा करने से प्योर वाटर की अमाउंट मुझे बढ़ जाएगी मेरी, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, जो मेरा प्योर वाटर है, प्योर वाटर की जो अमाउंट है, प्योर वाटर की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट? है कि नहीं, बताओ यार, यहां तक कोई मुश्किल आपको? कह दो जीनो, है ना, मजा तो तब है यार। अभी तो उल्टा हो रहा है, अभी तो प्योर से जो आपका ये इम्प्योर वाटर है वहां पर जा रहे हैं आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये तो हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा प्योर वाटर और कम हो जा रहा है, जबकि हम तो क्या चाहेंगे कि ऐसा हो जाए कि यार हमारे ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर और इंक्रीज हो जाए, मतलब सॉल्यूशन वाली साइड से भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर फ्लो कर जाए एंड ये वाला हमारा जो है लेवल राइज करे। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, ये जो आपका प्रोसेस है अपने आप खुद ब खुद हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर ये वाली साइड में, टू दिस साइड, ये कौन सी साइड है, सॉल्यूशन वाली साइड है, सॉल्यूशन वाली साइड पर, ये देखो ये जो आपकी सॉल्यूशन वाली साइड है, हम यहां पर इतना प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, ऊपर से मैं इतना प्रेशर अप्लाई कर दूंगी सच दैट मैं इस प्रोसेस को होने से रोक दूं, यानी कि अगर मैं सॉल्यूशन वाली साइड इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, इफ आई अप्लाई इतना ज्यादा प्रेशर, यहां से अगर हम इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें सच दैट मैं ये फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स को रोक दूं, इस प्रोसेस को होने से रोक दूं, ठीक है, तुम खुद सोचो ना, अगर मैं इसको ऊपर से दबा दूंगी, यानी कि यहां से अगर मैं प्रेशर लगा रही होगी तो इधर से फ्लो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इधर से इधर मॉलिक्यूल्स आएंगे इसका लेवल राइज होगा। खुद सोचो यहां पर अगर मैंने यहां पर एक पिस्टन लगा दिया, बिकॉज ऑफ विच अब मेरी जो लेवल है वो क्या होगी, बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि यहां मैंने इतना प्रेशर लगा रखा है, इधर से इधर अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इसका लेवल बढ़ेगा, ये ऊपर जाना चाहिए, पर ये यहां पर इतना ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी लगा दिया आपने कि इसको ऊपर जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब यहां पर आपने क्या किया, इस प्रोसेस को रोक दिया, होने से इस प्रोसेस को रोक दिया। पहला काम हमने क्या किया कि ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस खुद ब खुद हो जा रहा था, हमने बाहर से उस प्रोसेस को होने से ही रोक दिया, पहला काम तो अपना ये हो गया। फिर दूसरी बात हम क्या करेंगे, यहां पर हम और भी एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे। पहला
पहला काम में मैं सक्सेसफुल हूं, मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यहां से प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को दूसरे साइड जाने से रोक दिया, ऑस्मोसिस प्रोसेस को मैं रोक चुकी हूं। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहां पर और प्रेशर बढ़ा दूंगी। और प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, व्हेन आई विल इंक्रीज द प्रेशर, भाई और प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ये जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस साइड है ना, जो आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस साइड हैं, वो इधर फ्लो करने लग जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट साइड आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करने लगेंगे। करेक्ट है, सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ ये आपका फ्लो करने लग जाएंगे, राइट। इतने भी बात आपको समझ आई, कह दो जी यस मैम। प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके दूसरी साइड इस तरह यहां पर दे विल स्टार्ट फ्लोइंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यार ये तो मैंने बिल्कुल ऑस्मोसिस का उल्टा कर दिया कि नहीं, दिस इज तो बिल्कुल ओपोजिट, तो ओपोजिट काम किया है आपने, देयरफॉर इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए, अगर हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। ऑस्मोसिस तो कहता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को फ्लो करवाइए फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, पर अगर मैं उस प्रोसेस में उसका उल्टा करा दूं, यानी कि अगर मैं जहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट की वहां से फ्लो करा दूं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, तो दैट इज रिवर्स ऑफ इट। तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तभी हमारे घर पर कोई भी कंपनी का फिल्टर लगाओ, बट हम क्या बोलते हैं, आरो का पानी, आरो का सर्विस, आरो का वाटर, आरो ही बोलते हो ना, क्योंकि कोई भी आपका फिल्टर हो उसका जो प्रिंसिपल होता है दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस ओनली, ठीक है। वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पर। अब मैम क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रॉपर्टी है क्या, वॉट इज दिस ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब तो प्रोसेस हमें सब समझ आ गया कि जी ऑस्मोसिस होता है फिर रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, बट वॉट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो यहां पर मैंने ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कब हो पाया, रिवर्स ऑस्मोसिस तब हो पाया जब मैंने सॉल्यूशन साइड पर बहुत सारा प्रेशर अप्लाई किया, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस कब हो पाया, जब आपने सॉल्यूशन साइड पर बहुत बहुत हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो बहुत हाई प्रेशर अप्लाई किया आपने तब जाकर यह प्रोसेस हो पाया, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो। तो आपने कितना प्रेशर इधर अप्लाई किया है सच दैट आपका प्रोसेस रिवर्स हो गया, आपने यहां पर कितना प्रेशर अप्लाई किया सच दैट आपका प्रोसेस रिवर्स हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट रिवर्स ऑस्मोसिस, कि आप जो है सॉल्यूशन साइड पर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। क्या लिखा है यहां पर, द एक्सेस प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द सॉल्यूशन दैट स्टॉप्स द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। यानी कि कितना एक्स्ट्रा प्रेशर मुझे लगाना पड़ेगा ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन सो दैट ये प्रोसेस रुक जाए, उसको हम क्या कहते हैं, या फिर ये प्रोसेस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब यार जैसे सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये रिवर्स ऑस्मोसिस का मैंने डेफिनेशन लिखा है, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो अब जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी सभी का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, तो यहां पर भी हम फॉर्मूला नहीं उसको एक्सप्रेशन कहते हैं वैसे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसके लिए भी वी हैव अ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी हमारे पास क्या होता है, वी हैव अ एक्सप्रेशन। कैसा दिखता है आपका एक्सप्रेशन, अब सुनो, देखो PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन तो सबको ही आती है, आइडियल गैस इक्वेशन है ना, PV इज इक्वल टू nRT तो मैम सबको आती है। अब यार मैं इसको ऐसे लिख दूं, n अपॉन V RT, ऐसे लिख दो यार, n अपॉन V RT कह सकते हैं इसको कि नहीं, मतलब अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं डिनोमिनेटर में तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू n अपॉन V RT, है ना। उसके बाद n अपॉन V को आप क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, n अपॉन V इज वॉट, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो यार मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, P इज इक्वल टू सी आर टी, है ना, मतलब कि जो मेरा प्रेशर है दैट इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन, आर इज दी गैस कॉन्स्टेंट, टी इज योर टेम्परेचर। अब बात इतनी होती है कि हमारे पास ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल पाई, किससे रिप्रेजेंट करते हो, पाई से। तो जी यहां पर आप लिख लोगे पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो हमारे पास ये आ गया पाई इज इक्वल टू सी आर टी एंड दिस इज फाइनल, भूलोगे तो नहीं,
हाँ कोई भूलेगा तो नहीं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये होता है आपका दी करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। जल्दी से बताएंगे कि यस मैम अंडरस्टूड, और ये हम भूलेंगे नहीं, सबको क्लास में लर्न हो गया है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, कह दो जी यस 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 यस, है ना। और इसी के साथ सबने अपनी अटेंडेंस लगाई है कि नहीं लगाई है ये भी बता देंगे कि यस मैम वी हैव मार्क्ड दी अटेंडेंस, हम अपनी अपनी अटेंडेंस यहाँ पर लगा चुके हैं। सबने सेशन को लाइक किया है, नहीं किया है, कैसे हो यार तुम, बिल्कुल कंजूस टाइप है ना, कम ऑन क्विकली हिट द लाइक बटन, फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे, अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, फिर इसके बाद ये हमारी जो है प्रॉपर्टी फिनिश हो जाती है। आर की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी यूनिट यूज़ कर रहे हो, वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर आते हैं हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस और इनको हमें कवर करना है। आपके पास तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, एक होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और फिर आपके पास होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये बहुत मज़ेदार है, सुपर इंटरेस्टिंग, इसको समझते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है। देखो यार, अगर मैंने क्या किया है, इस तरह से एक कंटेनर बना रही हूँ मैं, ठन ठन, ये लो, तो जी हमने एक कंटेनर बना दिया, ठीक, और कंटेनर में बीच में लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कैसी मेम्ब्रेन है, दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठन ठन, ठीक है, ये कैसी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसे आपने पीछे सीखा था। अब मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के इस साइड एक यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इस साइड एक सॉल्यूशन फिल कर दिया, दूसरे साइड भी एक मैंने सॉल्यूशन फिल कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों ही सॉल्यूशन का, ध्यान से सुनो, दोनों ही सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका पाई वन होगा, इसका पाई टू होगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम निकल कर आया। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। सो इफ दे हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑल्सो यार हमें पता ही है कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज इक्वल टू सी आर टी, तो टेक्निकली देखा जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म पर डिपेंड कर रहा है, विच इज कॉन्सेंट्रेशन, है ना। क्योंकि देखो भाई, जब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रही होगी तो मेरा टेम्परेचर तो फिक्स होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि एक सेकंड में कुछ, दो सेकंड में कुछ, टेम्परेचर तो नहीं बदल रहा है, तो टेम्परेचर तो फिक्स ही है। उसके बाद आर जो होता है, आर एक कांस्टेंट होता ही है, आर इज दी गैस कांस्टेंट, तो जो वेरिएबल है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब पाए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कॉन्सेंट्रेशन के। तो चाहे तो मैं ऐसा कह दूँ कि जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टू सेम है, या फिर मैं ये कह दूँ कि जहाँ पर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन की सेम हो जाए। तो जब भी हमारे पास दोनों सॉल्यूशन के लिए सेम कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारे सॉल्यूशंस कैसे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास सॉल्यूशंस जो बन रहे हैं दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इसी के साथ देखो यार, तो यहां पर हमारे पास ये जो बने इनको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस व्हेन दे हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मैं एक का कम और एक का कम कर दूं, मतलब अगर हम किसी एक कंपोनेंट का या सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम ले लेते हैं, जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उससे अगर हम किसी का कम ले लें, तो फिर वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपो मतलब कम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जैसे आइजो था ऐसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आइजो का मतलब होता है सेम, हाइपो का मतलब होता है कम। फिर हमारे पास आते हैं दूसरे टाइप के सॉल्यूशन जिनको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, हाइपरटोनिक का मतलब है ज्यादा, हाइपरटोनिक का मतलब है मोर। अरे ऐसे कहते हैं ना यार, ये तो बहुत ही हाइपर टाइप है, हाइपर मतलब ये तो ज्यादा ही है ना, ये ज्यादा ही होता है, हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा, मोर। तो हमारे पास अगर किसी का एक का कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो फिर उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाउएवर यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई नहीं पूछेगा हाइपरटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है, यहां से आता है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा जा सकता है कि आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं जो कि आइसोटोनिक है। तो अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक आपको ऐसा लिखा गया है कि आइसोटोनिक है, तो आप कह दो कि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम टू सेम है, इसका मतलब ये है। दूसरी बात, अब यार देखो, ये मैंने पता है क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया है, एक ना NaCl सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, ह्यूमन ब्लड सेल,
हम लोगों के, ह्यूमन मतलब इंसान लोगों के जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो आइसोटोनिक होते हैं विद 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। इस बात का मतलब समझते हो आप? अगर मैं कह रही हूँ कि ह्यूमन ब्लड सेल आइसोटोनिक होते हैं विद 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन इसकी है या जितना ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का है एट दिस कॉन्सेंट्रेशन, उतना ही ह्यूमन ब्लड सेल का होता है, उतना ही ह्यूमन ब्लड सेल का भी होता है, राइट? उतना ही ह्यूमन ब्लड सेल का होता है, करेक्ट है? तो हमारे पास ह्यूमन ब्लड सेल जो होता है दैट इज आइसोटोनिक विद 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ह्यूमन ब्लड सेल का होगा, करेक्ट? फिर उसके बाद अब यार देखो, मैंने क्या किया यहां पर, ये वाले कंटेनर में मैंने जो अपना आरबीसी है, अपना नहीं किसी और का, ऐसे अपना आरबीसी क्यों निकालना यार, है ना, अपना नहीं किसी और का मैंने लिया, जैसे कि तुम हो, तुम्हारा एक, तुम्हारे 3-4 रेड ब्लड सेल मैंने निकाल कर अपने पास ले लिए, रेडी होना देने के लिए। तो देखो यार, तुम्हारा रेड ब्लड सेल मैम ने निकाला और डाल दिया किसके अंदर, एक बीकर के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने क्या रखा हुआ है, NaCl सॉल्यूशन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ये जो मेरा बीकर है ना, इसमें मेरे पास NaCl सॉल्यूशन है ऑफ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। जिस NaCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, इतना मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली हुई है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अभी जो मैं रेड ब्लड सेल यहां पर मैंने इसके अंदर डाला है, राइट, और ये जो NaCl सॉल्यूशन जिसके अंदर मैंने डाला है वो कैसे आइसोटोनिक है? आपने तो अभी पीछे देखा कि जो ह्यूमन ब्लड सेल होता है दैट इज आइसोटोनिक विद 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, मतलब कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, है कि नहीं, कह दो जी यस मैम, जल्दी बताओ, यस मैम, है ना। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, आपको लगता है यहाँ पर कुछ भी होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन ही सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम होने का मतलब होता है सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम। तो अगर देखो किसी की कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा होगी तब होगा ना फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर अगर दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, यहाँ पर एक तरह से ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी, जो रेड ब्लड सेल की आउटर मेम्ब्रेन है दैट विल बिहेव एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उससे चीज़ अंदर बाहर आ सकती है। वाटर जो NaCl में प्रेजेंट है, ये NaCl का सॉल्यूशन ही तो है, पानी में ही तो नमक मिलाया हुआ है मैंने, तो पानी आपके रेड ब्लड सेल के अंदर भी जा सकता था, और हम सब जानते हैं हमारे RBCs में भी काफ़ी वाटर कॉन्टेंट होता है, तो वो पानी अंदर से बाहर भी निकल कर आ सकता था, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपका तो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का मतलब है कि आपके तो सॉल्यूशन की सेम कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो यहां पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, देन देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, सेल अपना नॉर्मल जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, कुछ होने नहीं वाला। तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, सेल रिमेन्स नॉर्मल, सेल बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा ही रहता है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं दूसरे टाइप के सॉल्यूशन, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आप तो इमेजिन करो कि यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने NaCl का एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर मैंने जो है 10% तो बहुत ज्यादा हो गया, 1% ही कर दो वो भी काफी है, 1% NaCl सॉल्यूशन डाल दिया। कितना डाल दिया, 1% NaCl सॉल्यूशन में आपके रेड ब्लड सेल को डाल दिया। क्या किया मैंने, 1% NaCl सॉल्यूशन के अंदर एक 1% NaCl सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर तुम्हारे RBCs को मैंने डाल दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जानते हैं कि भाई आकांक्षा मैम, यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज़्यादा है, आपके जो सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक कहलाएंगे, क्योंकि जो आपका रेड ब्लड सेल होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 0.9% के बराबर होती है, तो ये वाला सॉल्यूशन तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का हो गया, और अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का हो गया तो ये हाइपोटोनिक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, येस दिस इज हाइपोटोनिक वाला केस। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 1% NaCl सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो आप बैलेंस तो करना पड़ेगा आपको, है ना, इक्विलिब्रियम तो आएगा, तो मॉलिक्यूल्स तो फ्लो करेंगे, तो यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो करेंगे फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट का RBC के अंदर है, है ना, RBC जो आपका रेड ब्लड सेल है उसके अंदर है कि नहीं हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, राइट, और
यहाँ पर आपका क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है. ये जो आपका बाहर वाला मीडियम है इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है. अब तुम मुझे बताओ कि पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, जल्दी से बता दो. एक्चुअली जो है ना, यहाँ पर मुझे आइडियली केस लेना चाहिए उल्टा, यानी कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं कम बना दूँ, कम मतलब 0.7% बना दिया मैंने. कितना बना दिया, 0.7% मैंने बना दिया, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. अब बताओ अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे रेड ब्लड सेल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी हुई ज्यादा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की. तो देखो, अगर ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, आप खुद ही सोचिए, तुम्हारे पास एक 0.7% वाला सॉल्यूशन है और एक तुम्हारे पास 0.9% वाला सॉल्यूशन है. तो ये जो है आपका, यहाँ ये ज्यादा है, दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड और लेस कॉन्सेंट्रेटेड. ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है. लेस कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर लेस सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे. किसी के अंदर लेस सॉल्यूट होगा तो मोर सॉल्वेंट होगा. भाई सॉल्यूट कम है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, सॉल्वेंट ही होगा. इसका मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है. अगर किसी के कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसमें सॉल्यूट कम होंगे, सॉल्वेंट ज्यादा होगा. दूसरी बात, 0.9% वाला मोर कॉन्सेंट्रेटेड है. अगर ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, और अगर इसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा तो इसके अंदर सॉल्वेंट कम होगा. यहाँ क्या होगा, लेस सॉल्वेंट होगा. तो मॉलिक्यूल किधर से किधर फ्लो करेंगे, लेस से मोर की तरफ या मोर से लो, मोर सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट की तरफ, राइट. तो इसका मतलब मेरे जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल 0.7 से 0.9 की तरफ फ्लो करेगा. तो 0.7 किसकी है, इस सॉल्यूशन की. 0.9 किसकी है, RBCs की. तो वाटर मॉलिक्यूल जो इस NaCl सॉल्यूशन में है वो फ्लो कर जाएंगे RBCs के अंदर, और ऑब्वियसली अगर सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो वो स्वेल कर जाएगा कि नहीं. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के केस में वाटर जो है आपका ऐसे मूव करता है फ्रॉम द आउटर सॉल्यूशन टू द रेड ब्लड सेल, कि वहां अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है. और जब पानी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि वहां पर आपका जो सेल है वो स्वेल कर गया है, राइट. सेल क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है, करेक्ट है. फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. नाउ व्हाट आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका बिल्कुल उल्टा. वैसे तो आपको पिक्चर देखकर ही समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है. अब यहां पर हमारे पास एक्चुअली वो वाला केस आएगा कि सॉल्यूशन तुम्हारा 1% वाला है और रेड ब्लड सेल तुम्हारे 0.9% वाले हैं. तो कॉन्सेंट्रेशन वाटर की कहां ज्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन पानी की ज्यादा होगी रेड ब्लड सेल के अंदर, क्योंकि इसमें सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा. तो आपके जो RBCs हैं उनसे पानी बाहर निकलकर आने लगेगा, पानी विल फ्लो आउट, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल्स आपके बाहर फ्लो करने लगेंगे फ्रॉम द रेड ब्लड सेल, बिकॉज ऑफ विच आपका जो सेल है ना वो श्रिंक कर जाएगा. अब देखो, अगर मैं सेल में पानी भर दूं तो सेल स्वेल कर जा रहा है, अगर मैं सेल से पानी बाहर निकाल दूं दैट मीन सेल आपका श्रिंक कर जा रहा है. तो सेल क्या करेगा, आपका श्रिंक कर जाएगा. तो जब भी हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में सेल जो है आपका क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है. देखो, गलती से पहले मैंने इसको आपको क्या बता दिया था, 0.7 0.9, पर यहां बात तो हाइपरटोनिक की हो रही है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो वो होता है ना जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो मुझे कम कॉन्सेंट्रेशन वाला लेना है. फिर यहां आप बात कर रहे हो हाइपर की, हाइपर बताया था ना, हाइपर ही है ये, तो ज्यादा ही, तो मतलब ज्यादा ही है. तो ज्यादा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ये वाला सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा होती है तो सेल विल श्रिंक, और अगर कम होती है तो सेल विल स्वेल. इतना सबको समझ आया. अरे यार, जैसे हम कहते हैं ना ब्लोटिंग हो गई, क्या होता है कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर आप लेट नाइट बहुत सॉल्टी फूड खाते हो, है ना, लेट नाइट अगर आप बहुत सॉल्टी फूड खाते हैं तो क्या होता है, ऐसा सुबह उठते हैं तो पफी आइज हो जाती है, पफनेस होता है फेस पर, है ना, मतलब होता है ऑलमोस्ट पूरे बॉडी में, बट वो क्योंकि आप फेस ज़्यादा दिखता है, बॉडी तो ऐसे सूजी भी दिखेगी नहीं, इतने तो होता नहीं है, क्योंकि तो फेस आपका ब्लोटेड लगता है. द सेम फिनोमेना गोज बिहाइंड, क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बाहर आपको वो, इसीलिए आपका वो स्वेल कर जाता है, ठीक है. द सेम प्रिंसिपल उसके पीछे भी. फिर हमारे पास ये तो सारे प्रॉपर्टीज हो गए. अब यार मैंने तुम्हें एक लॉ पढ़ा देती हूँ, विच इज हेनरीज लॉ, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही चीज बचेगी पढ़ाने के लिए, एंड दैट इज द वेंटॉफ फैक्टर. तो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसको कर लेते हैं कवर, फिर उसके बाद वेंटॉफ फैक्टर, फिर से के बाद चैप्टर फिनिश. ये बहुत ही आसान लॉ है, हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ क्या करता है, हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, कि हमारी जो गैस है वो लिक्विड में कितनी सॉल्युबल है वो हमें कौन बताता है, हेनरीज लॉ बताते हैं, ठीक है. हेनरीज लॉ जो है
वो एक्सप्लेन करता है कि एक मान लो मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड में एक पर्टिकुलर गैस को मैं मिलाऊंगी तो वो गैस कितनी सॉल्युबल होगी, दैट इज हेनरीज लॉ। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए हमारे पास क्या होता है। ये मैंने देखो पानी होता है ना, पानी, अच्छा तुमने पॉन्ड देखा होगा, पॉन्ड वॉन्ड होता है ना, जैसे पॉन्ड मतलब पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, या फिर कोई ओशन, कोई सी, कोई भी वाटर बॉडी आप अज्यूम कर लें। तो उसमें क्या होता है, ऐसे ना पानी फिल्ड होता है, क्या होता है, वाटर होता है। अब भाई वाटर के ऊपर क्या होती है, हवा ही होती है। अब हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं ऑक्सीजन गैस को डिसॉल्व करूँ वाटर के अंदर, क्या करूँ, ऑक्सीजन गैस को डिसॉल्व करूँ वाटर के अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ना अपनी ऑक्सीजन गैस को इसके अंदर ले जाऊँ, मेरा ये पूरा ओपन है, ऊपर से एकदम ओपन है, और मैं चाहती हूँ कि ऑक्सीजन गैस को इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए। तो जस्ट इमेजिन कि ये मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब तुम एक बात खुद सोचकर बताओ, जितना ज़्यादा प्रेशर इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर मैं लगाऊंगी, मैं इन मॉलिक्यूल के ऊपर जितना प्रेशर लगाऊंगी उतना अंदर अंदर चलते जाएंगे कि नहीं, उतनी ज़्यादा मेरी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जितना मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगी, समझिए इस बात को, जितना मैं यहाँ से ऊपर से प्रेशर लगाऊंगी इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर उतना ही अंदर चले जाएंगे आपके सॉल्यूशन के अंदर। तो मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी, है कि नहीं, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज, उतना ज़्यादा डिसॉल्व होंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यार जो आपका प्रेशर होगा ना, किसका, ऑक्सीजन गैस का, जिस गैस का आप डिसोल्यूशन कराना चाहते हो, तो द प्रेशर ऑफ द गैस है ना, कि जो आपका प्रेशर होगा गैस का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। जिस गैस की सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है कि नहीं भाई। जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे उस गैस मॉलिक्यूल के ऊपर, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी कि नहीं जाएगी, कह दो जी यस मैम, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, कहिए कि यस मैम, बोलो यार, यस 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 यस। तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये आपने खुद ही कहा कि हाँ मैम सही बोल रहे हो, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और यार ये जो देखो एक तरीका तो ये है इस लॉ को बताने का, हेनरीज लॉ यही कहता है, ठीक है, दिस इज दी एक्सप्रेशन ऑफ हेनरीज लॉ ओनली। दूसरी बात, मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ दैट प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी कि सॉल्युबिलिटी के लिए जो टर्म हम यहाँ पर लेते हैं वो क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन भी ले लेते हैं। तो हेनरी तो ऑब्वियसली साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने भाई सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकली क्या लिया, एक्स यानी कि मोल फ्रैक्शन को लिया, कि जो आपका प्रेशर ऑफ गैस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ऑल्सो जो प्रेशर ऑफ गैस है, अब देखो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो आपके पास क्या आएगा, हेनरीज कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, हेनरीज कांस्टेंट आएगा। ये केएच जो होता है इसको हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, केएच इज हेनरीज कांस्टेंट, केएच क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपके पास ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन गया, बताओ जी कोई दिक्कत, वाह बहुत बढ़िया, बताइए एनी इशू यहां तक, कोई मुश्किल आपको, बताइए, हाँ, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो प्रेशर ऑफ द गैस जो होता है दैट इज इक्वल टू केएच इनटू एक्स गैस, यानी कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, करेक्ट, केएच इज अ कांस्टेंट। अच्छा एक बात और बताती हूँ कि आपका जो केएच होता है ना, केएच, ठीक है, वो क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर ये डिपेंड करता है कि आपने जो सॉल्वेंट लिया है वो कैसा है, सिर्फ और सिर्फ केएच इस बात पर डिपेंड करेगा। यानी कि केएच जो हेनरीज कांस्टेंट होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो टोटल, या फिर आप ये बोलिए, सॉरी नॉट दी सॉल्वेंट, केएच इज ओनली डिपेंडेंट ऑन दी, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन के हेल्प से ये बात समझाती हूँ, बट उससे पहले मुझे आपको लिमिटेशन बताना है, एक सेकेंड रुकेंगे, हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, केएच पर भी आएंगे, केएच एक्चुअली मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ, तो ऐसे इस बात को लर्न नहीं करते हैं कि ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है, थ्रू अ क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आपको खुद ब खुद सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पर पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो हेनरीज लॉ होता है ना, दैट इज नॉट वैलिड फॉर वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर के लिए वो वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो भाई, अगर मेरे पास ये कंटेनर रखा है और कंटेनर में मैंने पानी डाला हुआ है ना, कंटेनर रखा है, कंटेनर में मैंने पानी डाला हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कि नहीं है, ये आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अभी मैं इनके ऊपर क्या कर रही हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, कर रही हूँ भाई बहुत प्रेशर, बहुत बढ़ा दिया मैंने। अब बहुत बढ़ाने के बाद क्या होगा, जितना पानी के, अब ये थोड़ी ना है कि यार तुम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस पानी में मिलाते जाओगे। अब ये जो कंटेनर आपने रखा है इसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होगी कि इसमें इतनी गैस को डिसॉल्व कराया जा सकता है। जब उतनी गैस इसमें आ जाएगी तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, कि बस अब इसमें और गैस नहीं डिसॉल्व हो सकती। तो एक बार आप सैचुरेशन पॉइंट रीच कर जाओ कि भाई इसमें जितनी गैस मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर सकते थे करा दिए, उसके बाद तुम कितना भी प्रेशर बढ़ाते रहो, है ना, आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते रहिए कोई फायदा नहीं है, गैस को जितना मिलना था मिल गई। तो अगर आप वेरी 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 हाई प्रेशर पर चले जाओगे तो गैस तो ऑलरेडी मिल चुकी है भाई, गैस तो पूरी की पूरी जितनी डिसॉल्व हो सकती थी उतना सैचुरेशन पॉइंट रीच कर गया। तो आफ्टर सैचुरेशन प्रेशर, एक बार ये सैचुरेशन प्रेशर आपका रीच कर जाता है उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हेनरीज लॉ, फिर आप ये नहीं कहोगे कि और प्रेशर बढ़ाओ और प्रेशर बढ़ाओ और प्रेशर बढ़ाओ तो और डिसॉल्व होगा, नहीं, फिर हेनरीज लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा। यानी फिर हम ये नहीं कह सकते प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हो गई जितनी मिल सकती थी गैस मिल गई, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो हेनरीज लॉ इज नॉट वैलिड फॉर वेरी हाई प्रेशर, हेनरीज लॉ नहीं है वैलिड उसके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यार, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये है, ये आपका है प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज इक्वल टू KH इनटू एक्स गैस, है ना, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी गैस है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आता है, तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा मैंने आपको कहा था ये कुछ नहीं सॉल्युबिलिटी है, दिस इज दी सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, क्या है ये, सॉल्युबिलिटी ऑफ दी गैस, सॉल्युबिलिटी है किसका, गैस का, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ पर हमारे पास ये जो सॉल्युबिलिटी है ना, अगर मान लो मुझे कहा जाए सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करो यार, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय दी हेनरीज कॉन्स्टेंट KH, ठीक है, डिवाइडेड बाय दी हेनरीज कॉन्स्टेंट KH, ये हो जाएगा कि नहीं आपका प्रेशर ऑफ, ये हो जाएगा कि नहीं आपका सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज दिस ना, करेक्ट। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी होता है उसकी इनवर्स रिलेशन होती है किसके साथ, KH के साथ। आपकी जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू KH। कह दो जी ओके मैम, यस मैम बोलिए, कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि हेनरीज लॉ के, सॉरी हेनरीज कॉन्स्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर मैं हेनरीज कॉन्स्टेंट बदल दूं, हेनरीज कॉन्स्टेंट मैंने चेंज कर दिया, तो मतलब आपका जिस गैस का आपका हेनरीज कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। चलो एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व कर दिखाओ, सारी बात यहाँ से क्लियर हो जाएगी और फिर आपको ये भी पता चल जाएगा KH किस पर डिपेंड करता है। भाई देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में हेनरीज कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी है, ये जो KH है ना उसकी वैल्यू दी हुई है आपको, ये देखो ये KH की वैल्यू दी हुई है ये वाले गैसेस के लिए, ठीक है, ये वाली हीलियम गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, फिर नाइट्रोजन गैस के लिए, फिर ऑक्सीजन गैस के लिए, दीज आर दी क्या वैल्यूज ऑफ KH, ये KH की वैल्यू दी हुई है, KH की वैल्यूज दी हुई है अलग अलग गैस के लिए, KH वैल्यूज गिवन है, बताओ अब बोलो जी, अलग अलग गैसेस के लिए KH वैल्यूज गिवन है, ठीक है, अब बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तुम्हें ये बताना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई करोगे कि भाई आकांक्षा मैम आपने हमें सिखाया क्या कि जिसकी जो KH होता है दैट इज, अरे यार रुक जाओ, जो KH होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, करेक्ट। अब KH क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भाई गैस जिसका KH वैल्यू ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, KH किसकी ज्यादा लग रही है, मेरे को तो सबसे ज्यादा हीलियम का लग रहा है, देखना एक बारी, KH सबसे ज्यादा हीलियम का ही लग रहा है तुम्हें भी, हाँ जी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी यार, फिर उसके बाद KH मुझे लगता है ये है 69, ये 76, तो यार ये ज्यादा हो गया। देखो फिर उसके बाद नाइट्रोजन का KH मुझे ज्यादा लग रहा है, तो
तो उसके बाद ये आएगा इसकी सॉल्युबिलिटी हीलियम से तो ज़्यादा ही होगी, फिर मुझे दिख रहा है हाइड्रोजन, तो यार इसके बाद आएगा हाइड्रोजन, और लास्ट में सबसे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होगी ऑक्सीजन की। वाह यार क्या क्वेश्चन, कितना मज़ेदार, इतना बढ़िया कि आपको ज़्यादा तो सोचना ही नहीं था, पहला ही ऑप्शन राइट था, सारे ऑप्शन देखने भी नहीं थे आपने। द फर्स्ट ऑप्शन गिवन वॉज एक्चुअली द राइट क्वेश्चन, द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। बोलो किसी को कोई मुश्किल यहाँ तक, डू यू हैव अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कह दो जी नो मैम। अच्छा तो इसके बाद जब मैं आपको ये बता रही थी ना कि KH किस पर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखिए KH इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ, नेचर ऑफ गैस पर, सिर्फ और सिर्फ गैस पर डिपेंड करता है, गैस कौन सी है, यानी हर एक गैस के लिए एक यूनिक वैल्यू होगी किसकी, हेनरीज कॉन्स्टेंट की। जैसे आपने यहाँ पर देखा ये सब क्या हेनरीज कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, गैस बदल दिया तो हेनरीज कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी बदल गई, है ना, गैस बदला हेनरीज कॉन्स्टेंट की वैल्यू बदल गई, दिख रहा है तुम्हें, यहाँ हीलियम के लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, गैस बदला आपने और वैल्यू बदल गई, ठीक है, हेनरीज कॉन्स्टेंट की। तो हेनरीज कॉन्स्टेंट किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, हेनरीज कॉन्स्टेंट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, नेचर ऑफ द गैस के ऊपर, ऑन द नेचर ऑफ द गैस। फिर आगे बढ़ते हैं और अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज वैंटहॉफ फैक्टर, कि हम वैंटहॉफ फैक्टर किसको बोलते हैं, राइट। और वैंटहॉफ फैक्टर से ही हम सीखेंगे कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास या नॉर्मल मोलर मास हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 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 देखो, अरे 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 मैम हम तो थक गए मैम, मैम ये तो चैप्टर ही नहीं कंप्लीट हो रहा मैम, आपकी दिल की सारी भावनाएं और मेरी भावनाएं बिल्कुल सेम टू सेम है, सच बता रही हूँ, क्योंकि वाकई इतना बड़ा मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया अभी तक, मतलब 2024 सेशन में तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पर हमने 7 लेक्चर्स, दिस इज दी 7th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन, बट आई एम वेरी हैप्पी इसलिए कि एक एक इम्पॉर्टेंट डिटेल ऑफ दिस यूनिट हैज़ बीन कवर्ड। ऑल्सो यार नोट्स आई होप आपको डेली मिल जाते हैं, और मैं ना बहुत खो जाती हूँ तो इंपॉर्टेंट बात बता नहीं पाती हूँ आपको। देखो एक तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कम्युनिटी लिंक गिवन है, वो ज्वाइन आकांक्षा कर्णवाल सन अकेडमी प्रोफाइल फॉर नोट्स ऐसा लिखा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आप ज्वाइन कर लोगे, फॉलो कर लेना मैम को, मेरी कम्युनिटी पर डेली मैं नोट्स शेयर कर रही हूँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, नहीं तो आप नोट्स मिस कर दोगे। दूसरी बात कल सॉल्यूशंस का, ध्यान से सुनो, कल सॉल्यूशंस का आपका ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन है भाई, ये हाई वेटेज यूनिट है, पहले तो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इसके सारे PYQs मैं वन शॉट में करा रही हूं, सारे PYQs वन शॉट में हो रहे हैं, कितने बजे, 3 बजे, हालांकि आज सेशन होना था बट आज मैं स्पेशल क्लास ले नहीं पाई आपकी, है ना, तो 3 PM आपका PYQ डिस्कशन हो रहा है सॉल्यूशन का, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एडेड है, जिसके लिंक यहाँ चैट में पिन भी हुई है, ठीक है, तो लिंक पर क्लिक कर आपको एंट्री मिल जाएगी, फ्री क्लास है ये, जो स्पेशल क्लास होती है फ्री क्लास होती है, कोई भी अटेंड कर सकता है, ओके जी, तो यार इसमें ज़रूर आइएगा। फिर इसके बाद कल आज मैं आपको कम्युनिटी पर और टेलीग्राम पर अपडेट देने वाली हूँ फॉर्मूला शीट के लिए भी, कि फॉर्मूला शीट का क्या सीन है, तो आप पहली बार सीखेंगे कि फॉर्मूला शीट कैसे बनाई जाती है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर फॉर्मूला शीट्स, राइट, ओके जी, तो फॉर्मूला शीट हम प्रिपेयर करेंगे कल सॉल्यूशन की, ऑल्सो ये आपका 3 PM वाला सेशन हो जाएगा। अच्छा इसको फिनिश करते हैं फटाफट, देखो यार पहले तो हमें यहाँ पर सीखना है वैंटहॉफ फैक्टर किसको बोलते हैं, व्हाट इज वैंटहॉफ फैक्टर, और ये जो आई है ये क्या है, ठीक है, वैंटहॉफ फैक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय द सिंबल आई। फिर इसके बाद देखो भाई मेरे पास एक ये सॉल्यूशन था, ठीक है, 1 molar NaCl, 1 mole NaCl मैंने डाला, 1 liter सॉल्यूशन मेरा पूरा का पूरा बन गया, तो मैंने चेक किया कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है, 1 liter है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉल्वेंट था दैट वाज 1 kg, बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या कह रही हूँ मैं आपको कि मैंने 1 molar NaCl लिया हुआ है, तो 1 molar NaCl का मतलब है कि उसकी मोलालिटी कितनी है, 1 है, ठीक है, 1 molar का मतलब क्या होता है, मोलालिटी 1। अब अगर मैं आपको कहती हूँ कि इस सॉल्यूशन का मैं अगर आपको ये दे दूँ KB दे दूँ, ठीक है, KB मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो आपको मुझे बताना है कि इस सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत ही आसान है, ये होता है फॉर्मूला डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, होता है कि नहीं होता है ना, तो हमारे पास यहाँ पर आप KB की वैल्यू पुट कर दोगे, ये देखो KB की ये रही आपके पास वैल्यू 0.5,
केबी की वैल्यू क्या है 0.5 और मोलालिटी क्या है 1. तो यहाँ से तुम्हारे पास डेल्टा टीबी क्या आएगा 0.5 आ जाएगा, है ना. डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 0.5. डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 0.5. तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है 0.5 केल्विन का हुआ है. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका डेल्टा टीबी इज इक्वल टू दिस, है ना, तब तो मतलब ये मेरा आया थ्योरेटिकली. भाई मैंने कोई एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म किया नहीं, मैंने तो कॉपी में फॉर्मूला लगा कर देख लिया. तो कॉपी में फॉर्मूला लगा कर देखना इसका मतलब थ्योरेटिकली किसी चीज़ को कैलकुलेट करना. तो आपने यहाँ पर थ्योरेटिकल आंसर दे दिया है दैट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.5 केल्विन एंड दिस इज माई थ्योरेटिकल वैल्यू. ये क्या है, मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू है, पेन पेपर कॉपी वाली वैल्यू आ गई है. लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो मेरे को पता चला यार कि मेरा जो डेल्टा टी बी है ना ऑन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, जो मेरा ऑब्जर्व्ड निकल कर आया डेल्टा टी बी, दैट वॉज एक्चुअली इक्वल टू 1 केल्विन. कितना आया? 1 आया. अब ये मुझे लगा बड़ा ही शॉकिंग. शॉकिंग क्यों लगा? क्योंकि मैम ये कैसे हो गया, है ना भाई, आपका तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो 0.5 केल्विन आना चाहिए और आपका 1.1 केल्विन आ रहा है. मतलब ये तो इसका हाफ ही आ रहा है, आधा हो गया ना, 0.5 इज हाफ ऑफ 1. तो ऐसा कैसे हुआ? तो बाद में हमें पता चला कि यार देखो, हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम, एक गलती हम कर रहे हैं. गलती क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ना, हम ये सोच रहे हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl पड़ा हुआ है और उस NaCl की जो हम मोलारिटी मान ले रहे हैं वो 1 m बोल दे रहे हैं क्योंकि आपको 1 molar सॉल्यूशन दिया है. मोलारिटी तो चलो आपने ठीक ली, पर हमारी एक गलती पता है क्या, कि हमने सोचा कि हमारा जो पानी है उसके अंदर नमक है. जबकि क्या होता है, वाटर को, वाटर में जब नमक डालते हो, सॉल्ट डालते हो, तो सॉल्ट तो बचता ही नहीं, सॉल्ट तो अपने आयंस में टूट जाता है, तो सॉल्ट तो बचा ही नहीं. तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि हमने ये सोचा कि यार यहाँ पर पानी के अंदर NaCl पड़ा है, जबकि NaCl पड़ा ही नहीं है. पानी के अंदर Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है. वाटर के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, यानी कि वाटर के अंदर तो इसके रिस्पेक्टिव आयंस प्रेजेंट है. यानी मैं ये सोच रही थी कि पानी के अंदर शायद एक ही पार्टिकल प्रेजेंट है, बट देन द रियलिटी इज कि पानी के अंदर एक नहीं, दो दो पार्टिकल प्रेजेंट है, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव. पानी के अंदर क्या है, एक Na पॉजिटिव प्रेजेंट है और एक Cl नेगेटिव प्रेजेंट है. तो दीज टू पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. कह दो जी यस 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 यस. These two particles are present in the पानी. ठीक है, तो ये दो particles तुम्हारे पास present हैं. अब अगर आपके पास पानी के अंदर ये दो particles present हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी molarity आप बोलोगे कि इसकी molarity 1 molar है, इसकी भी 1 है. तो आपको जब दोनों को आप consider करोगे तो यहाँ पर आपको 2 से multiply कर देना होगा, क्योंकि आप अभी तक एक particle consider कर कर चल रहे हो जबकि solution के अंदर दो particles हैं. तो into 2 हो जाएगा एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 1.0. अब आ गया आपका आंसर 1.0, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये जो फैक्टर है 2, इसी को हम क्या कहते हैं, वैन टॉफ फैक्टर कहते हैं, जिसको हम I से मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन यार इसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला तो होना ही चाहिए, है कि नहीं, इसके लिए कोई ना कोई एक्सप्रेशन, कोई फॉर्मूला होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यार ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा हमें. मतलब ऐसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सारे केसेस के लिए, राइट. हमें क्या पता है ऑब्जर्व्ड क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, हमें नहीं पता चलेगा ना हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही हैं. तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, अच्छा देखो, यहाँ से मेरे पास ये वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई थी ना, ये वाली 0.5, जब तक मैं कैलकुलेट कर रही थी, जहाँ मेरा आंसर 0.5 आया था, ये आंसर आया नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, है ना. यही आपने कल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो जो मेरी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए 0.5. द आंसर शुड बी 0.5. तो इसको हम बोलते हैं दिस इज दी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ रही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है 1, राइट. 0.5 को क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है 1, तो दिस इज द एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. अब बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत है, कहिए नो मैम. हाँ, दिस इज द एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कोई प्रॉब्लम आपको, बोलो जी नो मैम, बताइए. हाँ, ये एबनॉर्मल है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था ना यार, ऐसा हो गया. ये होना चाहिए था आइडियली, तो जो हमारा फॉर्मूला लगाने से आना चाहिए, बट ये तो आ ही नहीं रहा, वैल्यू तो ही आ रही है. तो दिस इज द एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो हमारे पास वैन टॉफ फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, वैन टॉफ फैक्टर इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
एबनॉर्मल सीजीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी देखो यार, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर होता है उसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर। अच्छा मैं आपको ना एक बात और बताती हूँ, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा होगा जरूर। हाँ सी, जब भी हमारे पास क्या होगा, जब भी कोई सॉल्यूट डिसोसिएशन या एसोसिएशन अंडरगो करेगा, यानी कि जब भी एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल, जैसे सॉल्ट था ना NaCl, NaCl को तुमने पानी में डाला, वो टूट गया, उसका डिसोसिएशन हुआ। ऐसे ही अगर किसी सॉल्यूट मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है सॉल्वेंट में डालने के बाद, तो वहाँ पर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आंसर नहीं आता और वहां पर हमारे पास एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। क्या आती है? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है। और उसको पता करने के लिए कि ये वैल्यू कितनी आएगी, आपको जरूरत पड़ती है एक फैक्टर की, विच इज दी वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? एक तो जैसे मैंने आपको बताया, एबनॉर्मल या जो भी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिवाइडेड बाय द नॉर्मल या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करिए, number of particles before dissociation slash association, ठीक है? आए क्या होता है, number of particles after dissociation या association divided by number of particles before association या dissociation, कह दो जी। यस मैम। अब बात सुनो मेरी, जैसे NaCl था, NaCl का ही एग्जाम्पल लेते हैं, और भी लेंगे, NaCl है जैसे, है ना? तो NaCl डिसोसिएट करता है, इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो आप क्या कहते हैं कि आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा, है ना, आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने, दो। भाई ये हुआ ना आफ्टर डिसोसिएशन, ये है आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दो, तो टू डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल हैं, वन, तो टू डिवाइडेड बाय वन कितना आ गया आपका वेंट ऑफ फैक्टर, टू हो गया, है ना? तो NaCl के लिए वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, टू होगा। फिर इसके बाद ये तो हो गया पहला, दूसरा, अच्छा तुम मुझे बताओ चलो कि आपको दे दिया जाए MgSO4, इसके लिए बताइए व्हाट विल बी द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर MgSO4, जल्दी से फटाफट। और इसी तरह व्हाट विल बी द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर AlCl3, जल्दी जल्दी बता दो, क्विकली लेट मी प्लीज नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, फिर इनके कल स्पेशल क्लास में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जल्दी से बता दो। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर अगर हम MgSO4 की बात करते हैं तो आपका जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा दैट विल बी टू, एब्सोल्यूटली राइट है, क्योंकि यार मैम Mg2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, दो पार्टिकल्स बनेंगे तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना बन जाएगा भाई, पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन टू बिफोर डिसोसिएशन वन, तो 2/1 कितना हो गया, टू, तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर टू। सिमिलरली AlCl3 को देख लो, ये जब टूटेगा तो तुम्हारे पास बनेगा Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, कितने टोटल पार्टिकल्स बन रहे हैं, टोटल पार्टिकल्स आपके बन रहे हैं चार, कितने बन रहे हैं चार, I = 4/1, ठीक है, I = 4/1 मतलब वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 4, I = 4 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ वेंट ऑफ फैक्टर कितना बन चुका है, 4 बन चुका है। डू यू ऑल अग्री विद मी कि यस मैम? तो यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो गया और यहाँ पर आपका वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो चुका है, 4 हो चुका है, AlCl3 के लिए 4 एंड MgSO4 के लिए 2, दैट्स इट। बताइए कोई दिक्कत आपको नहीं है ना, यहाँ तक आप सीख गए। अच्छा एक बात बताओ, दोनों या तीनों ही केस में, इनफैक्ट ये जो तीनों केसेस हमने डिस्कस किए, तीनों ही केसेस में हमारे पास हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, तीनों केसेस में हमें देखने के लिए मिल रहा है डिसोसिएशन, तीनों ही केसेस में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, है ना, टूट रहा है आयन, इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन में टूट रहा है कि नहीं, तो तीनों केस में एक प्राइमरी बात है एंड दैट इज कि तीनों में डिसोसिएशन हो रहा है। अब तुम मुझे बताओ तीनों में ही जो वेंट ऑफ फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, भाई तीनों केस में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, देखो यहाँ 2i, यहाँ पर 2i और यहाँ पर 4i, क्यों ज्यादा आ रही है, आनी ही चाहिए ना, अगर कोई चीज टूटेगी
तो टूटकर तो ज्यादा ही बनेगी, है ना। अब ये एक पार्टिकल था, टूटेगा तो टूटने के बाद तो ज्यादा ही पार्टिकल्स बनेंगे, एक से तो ज्यादा ही बनेंगे। तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में वैल्यू विल ऑलवेज बी मोर। तो न्यूमरेटर वैल्यू क्योंकि हमेशा बड़ी होगी एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, तो हमेशा ध्यान रखिए कि डिसोसिएशन के केस में, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन यहां पर लिख लो कि जब भी हमारे पास डिसोसिएशन होता है, फॉर डिसोसिएशन जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर है उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन वन। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो है क्या होगी, ग्रेटर देन वन होगी। वेंट ऑफ फैक्टर विल बी ग्रेटर देन वन। कहिए ओके मैम, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, यस 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 यस। और ऐसे ही जैसे यहाँ पर आपने डिसोसिएशन देखा, बिल्कुल उस तरह आपके पास एसोसिएशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर दो एसिटिक एसिड हैं, तो दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आपके पास क्या है, दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, सो वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये तुम्हारा एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, और उसके बाद इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी विद द अदर एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, राइट। ये रहा आपका दूसरा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल, ओके जी, यस तो कह दो यार। देखो क्या होता है ना कि मेरे पास एसिटिक एसिड है ये, और एसिटिक एसिड मेरे सॉल्यूशन में बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो मैंने इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दी। क्या करा दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दी, करेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने के बाद क्या होगा, अब ये दे विल एग्जिस्ट एज वन। यहां पर मेरे पास ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे एसिटिक एसिड के, मानते हो कि नहीं मानते हो भाई, मेरे पास यहां पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे एसिटिक एसिड के, और अब मैंने इन दोनों को मिला दिया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दी, एंड आई हैव यहां पर वन मॉलिक्यूल ऑफ क्या, वन मॉलिक्यूल बन गया मेरे पास यहां पर। तो बेसिकली इसको मैं कहूंगी कि मेरे पास डाइमर फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, डाइमर। अब ये अलग नहीं है, अब ये एक ही मॉलिक्यूल है। इस एक मॉलिक्यूल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, CH3COH होल ट्वाइस, है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, CH3COH होल ट्वाइस, इजंट इट। तो देखो होता क्या है, जो आपका एसिटिक एसिड होता है, राइट, जो आपका एसिटिक एसिड होता है, अगर आप इसका मोलर मास चेक करोगे, कार्बन का 12, दोनों कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16, हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो ये निकल कर आएगा 60, ठीक। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करने जाते हैं, सॉल्यूशन में चेक करते हैं, तो मास निकल कर आता है 120। तो नॉर्मली तो एसिटिक एसिड का मास कितना होना चाहिए था, 60, पर मैं सॉल्यूशन में चेक करने गई तो आया 120। तो इस 120 क्यों आया, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर गए, एसोसिएट कर गए, तो एसोसिएशन की वजह से मोलर मास 120 हो गया। पर होता कितना एक्चुअली, एसिटिक एसिड का 60 होता है, लेकिन क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बन गए तो मास चेंज हो गया। तो ये जो आपका मास होता है ना, जैसे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास भी होता है। तो दिस इज माय नॉर्मल मोलर मास, और ये क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास है। ये नॉर्मल मोलर मास है और ये आपका एबनॉर्मल मोलर मास है। अब मुझे एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ये मेरा एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स थे, तो दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स कंबाइंड एंड CH3COOH होल ट्वाइस बन गया, ठीक है, CH3COH होल ट्वाइस बन गया कि नहीं बन गया। अब मेरे पास यहां पर इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई, एसोसिएशन के बाद, आफ्टर एसोसिएशन, ये वाला सीन चल रहा है कि नहीं, आफ्टर एसोसिएशन, तो आफ्टर एसोसिएशन तो मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल है, तो आफ्टर एसोसिएशन आया मेरे पास एक मॉलिक्यूल, तो मैं क्या करूंगी, वन। बिफोर एसोसिएशन मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे, दो थे, है ना, तो बिफोर एसोसिएशन तुम्हारे पास है दो, तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। 1/2 वन से बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा ही होता है, 0.5, है ना। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि इन केस ऑफ एसोसिएशन, यानी जिंदगी में जब जब एसोसिएशन होगा तो फिर वैल्यू तो कम ही आएगी, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। क्यों, क्योंकि देखो अगर एसोसिएट का मतलब क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, तो जब आपस में जुड़ जाएंगे तो जितने थे उससे तो कम हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दो लिए थे, पहले मुझे अलग अलग दो दिख रहे थे, अब दो नहीं दिख रहे, अब मुझे एक ही दिख रहा है, क्योंकि इसका तो डाइमर फॉर्म हो चुका है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से हमेशा ही कम होगी, तो न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी मोर देन दी, न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी लेस देन दी डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिए इन केस ऑफ एसोसिएशन, यानी कि फॉर एसोसिएशन, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलवेज लेस देन वन।
एसोसिएशन के केस में वैंटॉफ फैक्टर क्या होगा? लेस देन वन ही आएगा, राइट? तो यार हमारे पास से क्लियर बात हो गई कि हम जब भी कैलकुलेट करेंगे, क्या जब भी आप कैलकुलेट करोगे द वैंटॉफ फैक्टर फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में वैंटॉफ फैक्टर विल ऑलवेज बी लेस देन वन, और डिसोसिएशन के केस में जो आपका वैंटॉफ फैक्टर होगा फॉर डिसोसिएशन, फॉर डिसोसिएशन वैंटॉफ फैक्टर जो आपका आएगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन. ठीक है, वैंटॉफ फैक्टर के लिए ये आपका हमेशा ग्रेटर देन वन आएगा. कह दो जी ओके मैम, है ना? तो ये आपको मालूम होना चाहिए. उसके बाद अब देखो हमारे पास सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. तो ये क्या लिखा है, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखी हुई है. सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर दिया, देखो कैसे. ये तुम्हारा क्या था, क्या था आपके पास यहाँ पर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर यहाँ मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको आई से कर दिया, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया. तो सब जगह मैं वैंटॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ. अच्छा चलो अब तुम मुझे बताओगे, और एक और बात आपको बताते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर इज इन वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, देखो जो जो चीज डिक्रीज कर रही थी कौन कौन सी, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ते हैं तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर कम होता है, एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर. तो जो दोनों कम होते हैं, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ देखने के लिए मिलेगा. बोथ ऑफ दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वैंटॉफ फैक्टर, यानी जिसका वैंटॉफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा. सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैंटॉफ फैक्टर आए, यानी जिसका वैंटॉफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों ही ज्यादा होगा. तो हमारे पास यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है, चलो बताओ इसका आंसर क्या लिखा है. वाइज द मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइंड बाय मेजरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सम सॉल्यूट्स इज एबनॉर्मल. ओए होए, व्हाट एन इजी क्वेश्चन आकांक्षा मैम, है ना? फटाफट 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 फटाफट, कम ऑन, वॉट विल बी द राइट आंसर हियर. कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास कभी कभी जब हम डिटर्मिन करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज कर तो कभी कभी एबनॉर्मल क्यों आ जाता है, वॉट इज द रीजन कभी कभी हमारा मोलर मास एबनॉर्मल आ जाता है, एसोसिएशन डिसोसिएशन की वजह से, इनसॉल्युबिलिटी, डीकम्पोजिशन, लार्ज साइज. भाई ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, ना तो ये कभी डिस्कस हुआ, ना ये, ना ये. कितनी देर से हमारा डिस्कशन चल रहा है एसोसिएशन और डिसोसिएशन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स या तो एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाते हैं तो मोलर मास हमारा चेंज हो जाता है. अब आप यहां पर मुझे बताएंगे कि किसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा. ध्यान करो, मैंने बताया था फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैंटॉफ फैक्टर. इतना काफी है इस क्वेश्चन को आंसर आसानी से कर देने के लिए. अब तुम मुझे बताओगे, क्योंकि देखो सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम टू सेम है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम टू सेम है, तो अब आपने बस क्या देखना है कि वैंटॉफ फैक्टर किसका किसका सबसे हाईएस्ट पूछा है ना, तो वैंटॉफ फैक्टर जिसका सबसे कम होगा उसकी वैल्यू हाईएस्ट आएगी. देखो यहां पर हमारे पास NaCl है, तो हमारे पास इसको, चलो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस दिस इन दी स्पेशल क्लास. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन और इसको हम डिस्कस करेंगे कल की स्पेशल क्लास में, जहां पर मैं PYQ का डिस्कशन भी कराने वाली हूँ 3 बजे. ये 3 बजे वाली क्लास मिस मत करिएगा प्लीज, है ना? यहां पर वन शॉट में सारे PYQ हो जाएंगे, बस बधाई हो आपको, आपका चैप्टर हो गया फिनिश. ओहो देखो यार, चैप्टर फिनिश है ना, मेरा गला भी फिनिश ही हो चुका है ऑलमोस्ट, और आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है. बट आई एम हैप्पी दैट यू पार्टिसिपेटेड थ्रू आउट दिस सेशन. स्पेशली आई एम वेरी वेरी आई वुड अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स जो पहले सेशन से लास्ट सेशन तक लाइव जिन्होंने मुझे फॉलो किया है, क्योंकि क्लास का टाइम थोड़ा लेट होता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट सुबह तक देख लेते हैं. मैं चेक करती हूँ हमेशा अपने सेशंस को एक बारी, बट देन आई एम हैप्पी कि आपने सेशंस को लाइव फॉलो किया. ठीक है, वेरी गुड, शाबाश. और नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स आपको वापस मिल जाएंगे. इनकेस आपको कल के नोट्स नहीं मिल पाए हों तो मैं आपको दिखा देती हूँ. क्या मैं आपको दिखा सकती हूँ क्या ऐसा कुछ? हाँ देखो, ये होती है अनअकैडमी ऐप, ये होती है आपकी अनअकैडमी ऐप. पता नहीं इसमें क्या क्या दिख जाए, बट लेट मी टेल यू, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एंड आई विल शो यू कि अगर इसमें आपको मेरी कम्युनिटी दिख जाए. अभी तो मुझे तो नहीं दिख रही है एनीवेज, ठीक है,
पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, पर ऐसे ही जब आप ओपन करोगे नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इसमें ऐसा डाउनलोड करके रखूंगी सो दैट आपको और अच्छे से समझ आ पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है और उस लिंक के थ्रू आप मेरी प्रोफाइल ज्वाइन कीजिए, वहाँ लिंक है कम्युनिटी का और कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना और बस वहाँ पर आपको आज के सेशन के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा एंड टेक केयर। सेशन लाइक कर देना, वैसे भी आखिरी सेशन था ये सॉल्यूशंस का, ठीक है। न्यू चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे कल सुबह 12:30 बजे। 12:30 बजे का एक सेशन स्केड्यूल्ड है, देखो चैनल पर चेक करो क्या होने वाला है 12:30 बजे। आपको क्या लगता है, एक बार ही चेक करना, चैनल को चेक करना, फिर कुछ तो है पता चल जाएगा आपको। बाकी 3 बजे अपनी क्लास है ही, 3 PM वी हैव अ क्लास, स्पेशल क्लास, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय एंड थैंक यू एंड टेक केयर, बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। मज़ा आया? अच्छा एक बात बताइए, सॉल्यूशंस चैप्टर कवर करने में अगर आपको मज़ा आया, आज ऐसा राहत की सांस अगर आपने लिए कि चलो यार ये बड़ा सा चैप्टर, बहुत ही बड़ा चैप्टर रहा बट ये फिनिश हो गया हमारा, कैसा लगा आपको अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑल्सो आपके लिए क्या सबसे इंटरेस्टिंग था, या क्या आपको लगता है कि मैम ये वाले पार्ट पर ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, वो आप मुझे बताएंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय एंड टेक।